हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमारिक मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लजीज पालक पनीर की सब्ज़ी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और हेल्दी तो है ही, और सबसे अच्छी बात ये मेरे बच्चों की फेवरेट सब्ज़ी है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगी ये। तो मैंने 250 ग्राम पालक ले लिया है और इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। इस पानी को हम गर्म होने देंगे और उसके बाद हम पालक इसमें डाल देंगे। साथ पे 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे। साथ में मैं 1 तेज़पत्ता, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची भी डाल दूंगी। पालक के साथ में ये गर्म मसाले भी अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे और इनका अच्छा फ्लेवर आएगा। अब पालक को मैंने 2 से 3 मिनट बिना ढक्कन लगाए इस तरह से पका लिया था। ऐसा करने से पालक का रंग डार्क ग्रीन ही रहता है, बदलता नहीं है। पालक ठंडा हो चुका है तो इसका एक पेस्ट बनाएंगे, हमें एक्स्ट्रा पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब पालक पनीर का मसाला बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं। 1 से 1.5 टीस्पून हमें लहसुन अदरक पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ये ऑप्शनल है। साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ले लिया है, आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है, 1/2 टीस्पून हींग डाल दी है। इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। अब 1 से 1.5 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, आप चाहें तो जिंजर और गार्लिक को चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट इस तरह से पका लेंगे और फिर इसमें चॉप किए हुए अनियन डाल देंगे। आप चाहें तो अनियन का पेस्ट भी बना सकते हैं, और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो उसको आप स्किप कर दीजिए। अब हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो आप इस वक्त डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने हरा धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाला है और नमक टेस्ट के अनुसार जितना भी आप खाते हैं। तो इन सबको अच्छी तरह से भून लेंगे, इस मसाले को पका लेंगे। अब 1 से 1.5 टीस्पून मैंने बेसन ऐड किया है और उसे भी सूखे मसालों के साथ भून लिया है। बेसन को भून लेने से पालक पनीर की ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो 3 से 4 मिनट बेसन भी भून लिया। अब ये चॉप किए हुए टमाटर मैंने डाल दिए हैं, आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने ढक्कन लगा के करीब 4 से 5 मिनट इस मसाले को पकने दिया। ये देखिए कितने अच्छी तरह से भुन चुका है ये मसाला। और अब हम इसमें पालक का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको भी 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पका लेंगे। तो जब तक पालक मसाले के साथ पकता है तब तक हम पनीर काट लेते हैं। मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और उसके इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं, आप बड़े या छोटे टुकड़े अपने अनुसार कर सकते हैं। मैं सब्ज़ी में कच्चा पनीर डाल रही हूँ, पर आप चाहे तो इसे सौते कर सकते हैं, थोड़े से तेल में फ्राई कर सकते हैं। तो अब मैं पालक में पनीर के टुकड़े डाल दूंगी और इसको हल्के हाथों से मिला लूंगी। तो हमारी पालक की सब्ज़ी हो गई है एकदम तैयार। अब मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ले ली है, दोनों हथेलियों से रगड़ के उसे भी डाल दिया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है सब्ज़ी में। अब मैंने 1 टेबल स्पून घी ले लिया है और उसमें 2 कलियाँ लहसुन की चॉप करके डाल दी हैं, और साथ में 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, आप चाहें तो साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो हमारा तड़का रेडी है और इसको अब मैं सब्ज़ी में डाल दूंगी। पालक पनीर की सब्ज़ी में ऊपर से घी का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है, आप चाहें तो इसकी जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पालक पनीर की सब्ज़ी हो गई है एकदम रेडी। आप इसका रंग देखिए कितना सुंदर आया है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनी थी ये। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, मिसी रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगती है ये और हेल्दी तो है ही। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी बनी आपकी पालक पनीर की सब्ज़ी। तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।